मनोज वर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। मनोज वर्मा उस जगह पर जीरो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर कि शंभू दयाल एएसआई शंभू दयाल दिल्ली पुलिस का वो जांबाज जवान वो जांबाज एएसआई जिसने जिसके ऊपर हमला हुआ और उसने उनकी मौत हुई। मनोज आप वहां पर मौजूद हैं, भीड़ बहुत ही जिसे कहा जाए कि दुखद है वहां पर इकट्ठी तो है लेकिन बचा नहीं रही है एएसआई को, जान चली गई एएसआई की। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से वो बदमाश भाग करके आगे की तरफ आया था और उसके बाद वो एक बिल्डिंग के अंदर चढ़ गया था जहाँ पर पेंटर का काम कर रहे थे एक शख्स और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनकी गर्दन पर चाकू लगा दिया था। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप ये बताइए क्या हुआ था 4 तारीख को, पूरी कहानी बताइए। सर उस दिन हम लोग काम कर रहे थे सबसे फर्स्ट लास्ट फ्लोर पे, तो बाहर से आवाज़ आई कि कोई चोर अंदर घुस गया है, तो हम लोग सब कोई काम बंद करके दूसरे फ्लोर पे आ गए, वहीं सब कोई इकट्ठा थे। उसके बाद कुछ टाइम बीता 10-15 मिनट तो पुलिस आ गई, तो जब पुलिस अंदर घुसी तो वो फिर ऊपर भागा, तो जहाँ हम लोग सब कोई थे वहीं वो पहुँचा तो हमारी गर्दन पे चाकू लगा दिया, तो बोला कि हमें जो है बाहर निकाल दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो मैं कहा ठीक है तुम निकल जाओ बाहर, हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो इतने में पुलिस पहुँच गई, तो पुलिस पहुँची तो वो छुड़ा दिया, फिर हम लोग नीचे चले आए। आपकी गर्दन पे चाकू लगाया था उस बदमाश ने, डर नहीं लग रहा था आपको उस वक्त? आप क्या सोच रहे थे, मन में क्या आया आपके? अब डर तो लग रहा था, अब क्या कहूँ, जो वो कह रहा था वैसे कर रहा था मैं। क्या कह रहा था वो बदमाश आपसे? वो यही कह रहा था कि देखना डरते रहना नहीं तो हम तुम्हें जो है मार देंगे। तो मैं कहा ठीक है, इतने पुलिस आ गई तो उन्होंने छुड़ा दिया, तो हम लोग नीचे चले आए तुरंत। किस बिल्डिंग में मौजूद थे आप? ये नीली वाली में, इसमें। कितनी देर तक आपको बंधक बना के रखा उस बदमाश ने? कोई ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट हुआ होगा। पुलिस तभी पहुंच गई थी? पुलिस गेट से घुस रही थी तभी वो ऊपर भागा है, तो गर्दन पे छुरी लगाया, इतने में पुलिस पहुंच गई है। किस तरीके से छुड़ाया फिर आपको पुलिस ने? वो दो लोग थे उनका हाथ पकड़ लिए और हटा दिए गर्दन पर से चाकू, फिर हम बगल हो गए। बताइए कुलदीप की बहुत सारे लोग मौजूद थे तो क्या किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? सब लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे तो किसी ने कोशिश नहीं की उसको पकड़ लें? जो नीचे थे वो लोग वीडियो बना रहे थे, जो हमारे साथ में थे वो तो खुद डर रहे थे, उसके कपड़े खून उन लगा था इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था। देखिए कुलदीप है जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर कुलदीप काम कर रहे थे और इसी बिल्डिंग में वो बदमाश जो था वो भागकर चढ़ गया था। तस्वीरें मेरे कैमरामैन राजेंद्र आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले और भी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तस्वीरें कैमरामैन राजेंद्र जी इधर आ जाइए। राजेंद्र जी देखिए दिखाएंगे यहाँ पर जो बदमाश था वो यहाँ से भाग करके आ रहा था, आप थे यहाँ पर मौजूद जी, आप बताइए कि क्या हुआ था, पूरी वारदात के बारे में बताइए। क्या नाम है आपका? मैं सोच में टीके नाम है मेरा, मैं पेशा से पायलट हूँ और ड्राइवर हूँ, इधर ही मेरा गोदाम है। तो यहाँ पे मैं आया था, मैं अपना चाय पी रहा था। मैं ये बताइए लेके चलिए हमें वहाँ पर, लेके चलिए कहाँ पे? मैं बताता हूँ ये सब लोग थे। पूरी बात बताइए क्या हुआ, कहाँ पे थे आप? मैं ये गाड़ी खड़ी है ना, मैं यहाँ पे खड़ा होके चाय पी रहा था मैं, हाँ इस पे ये मेरा गाड़ी नहीं है, मेरा दूसरा गाड़ी है, पर अपने गाड़ी के आगे खड़ा होकर मैं चाय पी रहा था मैं। तो बंदा मेरे आगे से गया निकल के, तो मुझे समझ नहीं आई थी मुझे। बाद में जब उधर से लेडीज और बच्चे सब आए, एक बच्चे को रोक के मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, बोलते अंकल एक पुलिस वाले को चाकू मार के भाग रहा है। जब हमें पता चला, उससे पहले पता नहीं थी हमें। बताइए कि जिस वक्त वहां पर चाकू मारा जा रहा था वहां पर भी और लोग मौजूद थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, सब सिर्फ देख के तमाशा देख रहे? ये तो हम बता नहीं सकते वहां कौन था कौन नहीं था, बस यहां से बंदा मनोज और इस बिल्डिंग में चढ़ गया था, उसमें बचाने के लिए दौड़ा था लेकिन मेरे दौड़ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंटू नाम है, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। और जानिए जी जब वो ऐसा कांड हुआ तो मैं कुछ देर के बाद आया सर, और मैं उसका पीछा भी किया, लेकिन क्या मैं बताऊँ मेरे पीछा करने के बाद मेरे को भी चोट गया, देखिए मेरा हाथ भी फट गया है इस मैटर में। मैं बहुत कोशिश किया बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं बचाऊँ तब से पहले कांड हो गया सर। तो उसके लिए मैं क्या बताऊँ सर, मैं तो बहुत कोशिश किया, हमारे ये CO साहब थे बहुत अच्छे आदमी थे, जितनी उनकी तारीफ किया जाए बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे जजेड़िया भजेड़िया है रेलवे स्टेशन पर, किसी को यहाँ थाना तो प्रशासन कोशिश करता है। आप बताइए एएसआई साहब यहाँ पर आते थे कि आप लोगों से मुलाकात होती थी उनकी? होती थी
आपकी होती थी, आप जानते थे एसआई साहब को? होती थी, मैं डिमोलिशन कॉन्ट्रेक्टर हूँ। एक्चुअली क्या है, जब भी मेरी मुलाकात होती थी तो दुआ सलाम चाय पानी पीते थे जो बात है। जब मुझे पता चला उनके बारे स्टेटस लगा हुआ था सुनील जी ने, तब मुझे पता चला उनका देहांत हो गया जो बात है। बड़ा अफसोस है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बड़ी बहुत बिल्कुल। देखिए ये तस्वीरें आप उसी जगह से देख रहे हैं कि जहां से एसआई शंभू दयाल जो थे वो इस जगह से यहां से उस बदमाश को लेकर के आ रहे थे। आगे ही जुगिया है, एक कॉल पर वो गए हुए थे। जब बदमाश अनीस को वो यहां से लेकर के आ रहे थे तब आगे अनीस ने अचानक से अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके बाद जो एसआई शंभू दयाल थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। तब भी दिल्ली पुलिस के जाबाज अफसर ने पूरी बहादुरी दिखाई, जिस तरीके से आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख रहे हैं। वो बहादुर अफसर लगातार कोशिश करते रहे उसे पकड़ने की, हालांकि क्योंकि चाकू उनको ज्यादा लगे थे उसके बाद वो यहां से भागा है। बाइक पर बैठने की कोशिश की है बदमाश ने और उसके बाद वो बिल्डिंग में चढ़ गया। जैसे जी बिल्कुल आप सही जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर उसने शंभू दयाल ने जब उसको पकड़ा तो हमला बोला, लगभग 30 से 35 वार किए शंभू दयाल के ऊपर और फिर उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि उसको लगा कि पुलिस आ जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो दो कांस्टेबल बाद में पहुंचे, क्या किसी ने वहां से 100 नंबर की कॉल की या कैसे वहां पर फिर पुलिस पहुंची? और पुलिस जब पहुंची तो पहले क्यों नहीं पहुंची? अगर थोड़ा पहले आ गई होती तो शायद शंभू दयाल की जिंदगी जान बच जाती। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, जैसे ही हमला हुआ है शंभू दयाल जी के ऊपर उसके बाद तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया गया था। उसके बाद जो पुलिस की दूसरी टीम थी वो तुरंत यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन क्योंकि बदमाश के हाथ में चाकू था और जो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता था, वो आगे एक बिल्डिंग के अंदर चला गया और वहां पर कुलदीप मौजूद था जो कि पेंट का काम कर रहा था और कुलदीप की गर्दन पर उसने चाकू लगा दिया और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, वो भागने की फिराक में था। लेकिन जब पुलिस की दूसरी टीम पहुंची वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचती और उसके बाद कुलदीप को वहां से निकालकर उस बदमाश को ओवरपावर किया जाता है और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि शंभू दयाल को बहुत ज्यादा घायल कर दिया गया था, उनको कई चाकू लगे थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शंभू दयाल ने भी पूरी कोशिश की थी उस बदमाश को पकड़ने की और जब तक उनको चाकू लगते रहे तब तक वो कोशिश अपनी करते रहे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था और उनकी अब इलाज के दौरान मौत हो गई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। शंभू दयाल आप देख सकते हैं सीसीटीवी में उसको आराम से लेकर मनोज आ रहे थे, लेकिन मनोज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सड़कों पर पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। चाहे वो अंजलि का केस हो, जिस तरीके से अंजलि को घसीटा गया और ये कहा गया कि भाई ये एक हादसा था, उसके बाद जांच आगे बढ़ी, परिवार को थाने के आगे बैठना पड़ा और अब ये बदमाश जो वर्दी के ऊपर सीधे सीधे वार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का खौफ होना चाहिए जमीन पर वो नहीं है। और इसकी क्या वजह आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वर्दी का जो खौफ है वो बदमाशों के अंदर से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। शंभू दयाल उसको थाने लेकर जा रहे थे और वहां पर जाकर पूछताछ करनी थी, लेकिन बदमाश इतना शातिर था, वो चाकू जेब में छिपाए हुए था और जब शंभू दयाल उसको लेकर जा रहे थे अचानक से उसने हमला करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े उठना शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक तमाम इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस बदमाशों से लाचार होती हुई नजर आ रही है और ये मामला अपने आप में जीती जागती तस्वीर है कि एक एएसआई जो कि वर्दी में मौजूद है और बदमाश उनके ऊपर चाकू से हमला करता है, भागने की कोशिश करता है, हालांकि बदमाश बाद में पकड़ा जरूर जाता है, लेकिन शंभू दयाल की जिसकी जिंदगी जानी थी मनोज वर्मा उसकी जिंदगी तो चली गई ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।